सो यस सो वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्री जैन जन यूट्यूब चैनल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022 ट्वेंटी टू यस यहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया एलिजिबल है सी प्रोवाइड कर रहे हैं थर्टी वन प्लस एच लास्ट डेट ट्वेंटी फर्स्ट रखा गया है जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी निकाली गई है जहां पर सबसे बढ़िया है कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है सीधा आप अप्लाई कर सकते हो बट देखो यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूं ताकि आपका समय वेस्ट हो सबसे पहले बी बीबीटेक या एमई एमटे इन मैकेनिकल वाले बच्चे ही अप्लाई कर सकते हैं दूसरा यहां पर गेट या स्कोर नेसेसरी है यहाँ पर है पर पर तीसरा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है टू का का कॉन्ट्रैक्ट जॉब रहेगा परमानेंट जॉब नहीं है तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में तो पूरा वीडियो देखना नहीं तो यहां पर वीडियो को छोड़ सकते हो और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पा सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है तो चलिए आप डिटेल में बात करते हैं तो ये रहा डिटेल पीडीएफ आपके सामने तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं बहुत ही छोटी सी पीडीएफ और इंपॉर्टेंट डेटा हाईलाइट कर दिया है यहां पर आपको पोस्ट भी करना है एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपको यहाँ पर मेल भी करना है इसलिए जो पहली थी थी एप्लीकेशन फॉर्म की थी, इसको भरना है इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स कहा पोस्ट करना है सारा अभी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर दीजिएगा अभी बताता दू डीआर की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है जहां पर जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी है फॉर द पीरियड ऑफ टू ईयर्स

पर नेक्स्ट है जेआरएफ फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दो वैकेंसी है सेम यहां पर है डिग्री आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए नेक्स्ट है मैकेनिकल और सेम है मैकेनिकल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ डिटेल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जैसे अपर एज लिमिट 28 एट ईयरस कहा गया है फॉर दी जनरल कैटेगरी ओबीसी ओबीसी नहीं क्योंकि एस सी एस टी ओ बी सी को रिलैक्सेशन मिल जाता है इन दी गवर्नमेंट जॉब तो यहाँ पर भी दिया गया है ठीक है बात करते हैं यहाँ पर लास्ट डेट कब है तो मैंने कह दिया था ट्वेंटी फर्स्ट सप्टेम्बर यानी ट्वेंटी वन डेज आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ दी एडवर्टाइजमेंट इन दी एम्प्लॉयमेंट यूज यानी ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेबर ये ठीक है चलो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कैंडिडेट डाउनलोड एंड फिल्ड देशन फॉर्म यानी ये फॉर्म उसको भर देना है और उसके बाद क्या करना है ड्यूली फिल्ड इन

आपको यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट जो भी आपका यहाँ पर गेट एन स्कोर कार्ड है वो ये सब कुछ आपको अटैच करना है इन अ सिंगल पी स्कैन करके और मेल करना है इन दिस आईडी ठीक है और वो करना है आपको बिफोर दी क्लोजिंग डेट इस चीज का ध्यान रखना है ठीक है बाकी तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर है जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स है वो लगेंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू तो ये चीज यहाँ पर कही गई है और बात करते हैं अब यहाँ पर के स्टूडेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना है सबसे पहले तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो श्योरली जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका गेट स्कोर और उसके बाद जो है वो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑपटेंड है ये दोनों के हिसाब से आपको शॉर्ट किया जाएगा ठीक है फिर इंटरव्यू होगा और फिर आपको नौकरी मिलेगी और सारा कुछ आपको मेल के माध्यम से बताया जाएगा इसलिए कहा गया है कि मेल को आप एक्टिव रखना उस पर सारी चीजें बताई जाएगी ठीक है कम्युनिकेट की जाएगी चल तो मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर है यहाँ पर सैलरी थर्टी वन थाउजेंड रुपीज प्लस एच आर आपको मिलने वाला है बस इतना ही है इस पीडीएफ में अगर ये वीडियो पसंद आती है जरूर से इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर बाय फॉर फन सी सीआ